बॉलीवुड की जानी मानी और क्यूटेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं और वो अपनी एक और फिल्म के लिए इन दिनों मीडिया के गलियारों में छाई हुई हैं और वो है फिल्म इंशाल्लाह। फिल्म में वो सलमान खान के साथ रोमांस करती नजर आने वाली है और जैसे ही इस बात की अनाउंसमेंट सलमान खान और आलिया भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से की थी तो लोगों ने इन दोनों को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया था और इन दोनों के ट्रोल होने का मेन कारण था इन दोनों के बीच का उम्र का अंतर। जी हाँ, दरअसल सलमान खान आलिया भट्ट से उम्र में 27 साल बड़े हैं और इसी वजह से लोगों ने आलिया भट्ट को जमकर ट्रोल किया, लेकिन अब आलिया ने फाइनली इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल आलिया भट्ट ने हाल ही में पिंक विला को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। आलिया ने कहा कि सलमान के साथ उनकी जोड़ी बनाए जाने पर कोई आलोचना नहीं हुई। आलिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि सलमान और संजय लीला भंसाली को मिल रही आलोचना से परेशान नहीं हुए। आलिया भट्ट ने कहा, मुझे कोई आलोचना नहीं मिली, मुझे लगता है कि इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अटकलबाजी भी एक तरह से उत्साह का ही एक रूप है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सलमान या भंसाली सर परेशान है। संजय लीला भंसाली एक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं, इतने शानदार डायरेक्टर हैं तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। आलिया ने कहा कि उन तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची, बल्कि लोग उन्हें और सलमान को साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि जैसे ही संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंशाल्लाह की अनाउंसमेंट की, आलिया की बचपन की फोटो के साथ सलमान की जवानी की ये फोटो वायरल हो गई और लोग उनका जमकर मजाक बनाने लगे। लेकिन आलिया का कहना है कि संजय लीला भंसाली इतने शानदार डायरेक्टर हैं तो कुछ सोच समझकर ही उन्हें कास्ट किया होगा। वैसे आलिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो गली बॉय जैसी धमाकेदार फिल्म करने के बाद अब आलिया करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक में नजर आने वाली है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।